बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज हम चैप्टर नंबर 13 को पढ़ेंगे, द हॉलविंग प्रिंसिपल। इस चैप्टर में हम टी एंड डी के बारे में हम इसको पढ़ेंगे, यानी कि टी एंड डी को जब हम हाफ लिख लेते हैं तो उसका क्या मतलब होगा। व्हेन लाइट स्ट्रोक इज हाफ फॉर टी, यानी कि अगर लाइट स्ट्रोक होगा हमारे साथ वो हमारे साथ टी में होगा, एंड हैवी स्ट्रोक जो होगा वो हमारे साथ डी में होगा। तो यहाँ पे इसके कुछ एग्जांपल है हमारे साथ, यानी कि किसी स्ट्रोक को हम जब आधा लिख लेंगे तो वो हमारे साथ या टी की साउंड देगा या हमारे साथ डी की साउंड देगा। जो लाइट स्ट्रोक होंगे वो हमारे साथ टी में आएगा और जो हैवी स्ट्रोक होंगे वो हमारे साथ डी में आएगा। फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पे हमारे साथ क्या है, एप्ट है, ये हॉलविंग प्रिंसिपल्स है। इसका यही मतलब है कि जब हम स्ट्रोक्स को हाफ लिखेंगे तो वो हमारे साथ या टी के साउंड देगा और या हमारे साथ डी के साउंड देगा। देखिए ये यहाँ पे हमारे साथ है एप्ट, तो ये वावल आगे हमारे साथ ए है, ये पी, पी को मैंने क्या किया है हाफ लिखा है, यानी पी के स्ट्रोक को जब मैंने हाफ लिख लिया है तो इसका ये मतलब है कि ये इसके आगे टी की साउंड देगा, यानी कि एप्ट। किसी भी स्ट्रोक को जब आप लोग हाफ लिख लोगे तो वो आप लोगों के साथ टी की साउंड देगा या आप लोगों को डी की साउंड देगा। नेक्स्ट हमारे साथ है एक्ट है, तो ये आ जाएगा ए और ये के। देखें के को जब हमने हाफ लिख लिया है, नॉर्मल स्ट्रोक से हमने जब इसको हाफ लिख लिया है तो ये हमारे साथ इसके आगे टी की साउंड देगा। एम्ड है, ये आ जाएगा वावल, और ये जो एम है इसको मैं हाफ लिखता हूँ। देखें एम्ड, यानी कि ये यहाँ पे जब एम को मैंने हाफ लिख लिया है इसका ये है मतलब कि ये इसके आगे डी की साउंड हमारे साथ दे रहा है। नेक्स्ट है हमारे साथ नाइट। अब नाइट को तो हम एन टी इस तरह भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो हमारे साथ हाविंग प्रिंसिपल है, यहाँ पे देखिए एन को मैं जब शॉर्ट लिख लूँगा यानी कि छोटा, ये नून और ये आई का दीप्तांग आ गया है नाइट, यानी टी को मैंने नहीं लिखा क्योंकि एन को मैंने क्या किया है इसको मैंने हाफ कर दिया है, तो इसके बाद ये ऑटोमेटिकली हमारे साथ ये टी के साउंड देगा। नेक्स्ट हमारे साथ है बेड है, तो बी को जब मैं हाफ लिखूंगा बेड, डी को हम नहीं लगाएंगे, बी को मैंने हाफ लिख लिया है तो ये हमारे साथ डी की साउंड देगा। एबाइड है, ए बी को हाफ लिखें और ये एबाइड, यानी कि बी को जब हमने हाफ लिख लिया है तो ये हमारे साथ यहाँ पे डी की साउंड दे रहा है। अब अगर हॉलविंग प्रिंसिपल हमारे साथ मिडल में आ जाए, यानी कि दरमियान में आ जाए, एब्सोल्युटली देखिए यहाँ पे जो है हमारे साथ टी की साउंड आ रहा है एब्सोल्यूट, तो एल के बाद है, देखें ये आ जाएगा वावल, एब्स एल यहाँ तक आ गया, एल को आप लोगों ने हाफ लिख लेना है एब्सोल्यूटली। देखें ये ए बी एस, एल को हमने क्या किया है हाफ लिखा है, इसका यह है मतलब कि एल को हमने इसलिए हाफ लिखा है कि ये इसके बाद टी की साउंड देगा एब्सोल्यूटली। हॉटली है हमारे साथ, अब हॉटली को हम जो है एच है हमारे साथ, एच के बाद जो है हमारे साथ ये आ जाएगा, एच को आप लोग हाफ लिख लें उसके बाद ये ली हॉटली आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे साथ है डबल्ड है, अब डबल्ड को जो है हम देखें ये डी आ जाएगा और ये डबल्ड। अगर मिडल में आप लोगों के पास आ जाए तो जहाँ पे टी की साउंड आएगी उससे पहले स्ट्रोक को आप लोग शॉर्ट लिख लें तो वो आप लोगों के साथ मिडल हॉलविंग प्रिंसिपल आ जाएगा। यहाँ पे है अब हॉलविंग विद एडिशन ऑफ एन टी, एन टी अगर आ जाएगा या अगर एन टी एस आ जाएगा तो आप लोगों ने उसको कैसे करना है। यहाँ पे क्या है हमारे साथ काइंड है, ये के को शॉर्ट लिखें और ये क्या आ जाएगा एन काइंड, काइंड्स है यहाँ पे, अब एस आ जाएगा, के को शॉर्ट लिखें और यहाँ पे एन
यहाँ पे एन और ये छोटा सा एस माइंड्स है, तो माइंड्स को हम ये एम इसको शॉर्ट लिख लें, आगे ये साउंड देगा टी एंड डी की माइंड्स। नेक्स्ट हमारे साथ है लैंड है, देखें एल को शॉर्ट लिखें और ये एन लैंड आ जाएगा लैंड्स। टेंट है, देखें ये टी को, यहाँ पे दो टी हैं तो ये टी को आप लोग शॉर्ट लिखें टी एन टेंट आ जाएगा। लास्ट जो है हमारे साथ वो है मैक्स हॉलविंग, यानी कि अगर आप लोगों के साथ असल में ये मिडल और ये जो मैक्स हॉलविंग वे, ये इन दोनों में ज़्यादा कोई फ़र्क है नहीं। अब ये ऑप्टिकल है, देखें टी के बाद क्या है पी, तो ये आ वावल आ जाएगा, पी को आप लोग शॉर्ट लिखें ऑप्टिकल। वर्टिकल है, ये वी आर आ जाएगा वर्टिकल। ट्रीटेड है, ये आ जाएगा ट्री, देखें टी आर टी को शॉर्ट लिखें और ये डी ट्रीटेड। लाइटली है, एल को शॉर्ट लिखें लाइट ली, इसके बाद यहाँ पे टी की साउंड देगा मिलिट्री, देखें मी, एल को मैंने शॉर्ट लिखा है मिलेट री। ये हमारे साथ जो था हॉलविंग प्रिंसिपल था, यानी कि अगर किसी स्ट्रोक को हम हाफ लिख लें अपने ओरिजिनल स्ट्रोक से तो वो उसके आगे हमारे साथ टी एंड डी के साउंड देगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।